बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को अभी जल्द ही काले हिरण के शिकार के मामले में बड़ी राहत मिली थी। सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे सभी मामले को एक साथ सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी थी। लेकिन अब सलमान खान के लिए एक और मुसीबत सामने आ गई है। दरअसल सलमान खान का एक पत्रकार से भिड़ जाना काफी भारी पड़ गया है। सलमान के खिलाफ पत्रकार अशोक पांडे ने साल 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। अशोक ने आरोप लगाया था कि सलमान खान ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इस मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कड़ा रुख अपनाया है और सलमान को सीधा कोर्ट में बुलाया है। सलमान पर आरोप लगाते हुए अशोक ने कहा था कि 24 अप्रैल 2019 को वह जुहू से कामबली कैमरामैन के साथ अपनी कार में यात्रा कर रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में सलमान खान को साइकिलिंग करते हुए देखा। इसी दौरान उन्होंने सलमान खान के साथ मौजूद दो बॉडीगार्ड थे जिनसे सलमान खान की वीडियो बनाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर बॉडीगार्ड ने अशोक को सलमान खान की वीडियो बनाने की अनुमति दे दी थी। हालांकि जब सलमान खान ने अशोक को वीडियो बनाते हुए देखा तो उसका विरोध किया, जिस पर बॉडीगार्ड ने अशोक की पिटाई कर दी और अशोक ने यह भी कहा था कि सलमान खान ने भी उन्हें मारा और उनका फोन छीन लिया था। जब अशोक ने यह शिकायत थाने में दर्ज कराई तो सलमान खान को देखकर पुलिस वाले भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद अशोक ने सीधा कोर्ट का रुख कर लिया। अब कोर्ट ने सलमान खान को 5 अप्रैल को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है। कोर्ट ने सलमान खान को IPC धारा की 504-506 के तहत अपराध तलब किया है। अब देखना यह है कि इस मामले में कोर्ट क्या रुख अपनाता है। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।